अब पाइप्स एंड सिस्टम्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा है थ्री पाइप्स ए बी सी कैन फिल द टैंक यहां पे वर्ड को अंडरलाइन करना फिल द टैंक टैंक को फिल करना मतलब एक पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करना फ्रॉम एम टू फुल इन थर्टी ट्वेंटी इन टेन मिनट्स तो पाइप ए बी सी ये सब फिल कर रहे हैं तो एफ लिख देता हूँ यहाँ पर

कुछ केमिकल बाहर निकल रहा है उसका नाम है पी क्यू आर वॉट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर थ्री मिनट्स मतलब तीन मिनट के बाद आपको आर का जो आर केमिकल है उसका प्रोपोर्शन निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे हम टैंक का कैपेसिटी वर्कआउट करेंगे पहले तो टैंक का कैपेसिटी वर्कआउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक अप्रोच बताई थी दैट टैंक कैपेसिटी टैंक कैपेसिटी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ जो आपको टाइमिंग दिया हुआ है थर्टी ट्वेंटी टेन यहाँ लिखो मैं थर्टी ट्वेंटी टेन आप इनका पहले एल निकाल लो तो थर्टी टेन ट्वेंटी का एलसीएम अगर आप निकालते हो तो आता है सिक्सटी कैसे देखते हैं थर्टी का होता है टेन इंटू थ्री ट्वेंटी होता है टेन इंटू टू और ये है टेन यहाँ पर टेन कॉमन है यहाँ लिखा टेन थ्री और टू अनकॉमन है यहाँ लिखा थ्री इंटू टू ये बन गया सिक्सटी जैसे सिक्सटी तो मतलब मेरे टैंक की कैपेसिटी कितनी आ रही है वो आती है सिक्सटी लीटर से मैं यूनिट्स बोलता हूँ मेरे को इसका यूनिट नहीं पता तो मैं लिखता हूँ सिक्सटी यूनिट्स ठीक है इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं तो द टैंक कैपेसिटी इज सिक्सटी यूनिट्स तो हमने सबसे पहला एक स्टेप परफॉर्म कर लिया कि हमने कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लिया अब आप एक काम करिए आपके पास पाइप ए का टाइमिंग दिया हुआ थर्टी मिनट्स पाइप बी का दिया हुआ है सी का दिया है सबके सब पाइप टैंक को फुल कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू फिल द टैंक तो अगर आपको ए का एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था वो था कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब सिक्सटी अपॉन उसको टाइम कितना लग रहा उसको लग रहा थर्टी मिनट्स इसका मतलब ये जो पाइप ए है ये टैंक को फुल कर रहा है कितने मिनट में इट इज फिलिंग द पाइप द टैंक, टू टू यूनिट्स, यूनिट्स पर पर मिनट, मिनट. सी, टैंक कैपेसिटी अपॉन अगर मैं इसके टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि एक मिनट के अंदर वो कितना टैंक को फिल कर रहा है तो वो एक मिनट के अंदर दो यूनिट्स टैंक को फिल कर रहा है बी का एफिशिएंसी निकाल लो वो आएगा सिक्सटी बाई ट्वेंटी इज थ्री यूनिट्स पर मिनट सी का एफिशिएंसी निकाल लो सिक्सटी बाय टेन विच इज सिक्स यूनिट्स पर मिनट ठीक है हमने क्या किया हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो कि जब मैंने पाइप स्टार्ट किया तो पाइप ए में से एक केमिकल निकला जिसका नाम है पी पाइप बी में से एक केमिकल है जिसका नाम है क्यू और पाइप सी में से केमिकल आर को मैंने डिस्चार्ज किया टैंक के अंदर ठीक है सो so, पाइप ए बी सी इसमें से निकलता है केमिकल पी इसमें से निकलता है क्यू इसमें से निकलता है आर अब पाइप ए जो है उसकी इफ़िशंसी है दो यूनिट पर मिनट की मतलब एक मिनट के अंदर वो दो यूनिट केमिकल डाल सकता है टैंक के अंदर मुझे निकालना है प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन आर इन द लिक्विड इन टैंक आफ्टर थ्री मिनट के बाद आर का proportion क्या होगा वो निकालना है तो टू यूनिट्स पर मिनट का केमिकल डिस्चार्ज कर रहा है टैंक के अंदर तो दो यूनिट पर मिनट मेरा टाइमिंग कितना है वो है तीन मिनट का तो इसने टोटल सिक्स यूनिट्स केमिकल टैंक के अंदर डाल दिया पाइप बी उसका एफिशिएंसी कितना है थ्री यूनिट्स पर मिनट का है तो उसको भी थ्री इंटू थ्री करो क्योंकि तीन मिनट के बाद निकालना आपको तो 3 9 इसमें आ चुका है जो पाइप सी है वो केमिकल आर टैंक के अंदर डिस्चार्ज कर रहा है उसकी इफिशियंसी है सिक्स यूनिट्स पर मिनट की सिक्स इंटू थ्री दैट इज एटीन यूनिट्स एटीन यूनिट्स तो ये टोटल कितना हो गया दिस टोटल विल बी 33 यूनिट्स तो अगर आपको प्रोपोर्शन ऑफ आर निकालना है इफ यू वांट टू फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ आर इन द टैंक इन द टैंक तो आर का प्रोपोर्शन कितना है 18 है और टोटल तीन मिनट तक के केमिकल्स का प्रोपोर्शन कितना है वो है थर्टी थ्री एटीन बाई थर्टी थ्री दिस इज थ्री सिक्स जा दिस इज थ्री इलेवन जा तो एक सा था कि जब पाइप को फिल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो केमिकल को भी डिस्चार्ज रहा है टैंक के अंदर आपको केमिकल आर का प्रोपोर्शन निकालना था तीन मिनट बाद तीन मिनट बाद बोला तो यहाँ पर हर एक की efficiency को मैंने तीन तीन से मल्टीप्लाई किया और आर का प्रोपोर्शन वर्कआउट किया आइए क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं सॉल्व। क्या लिखा है टू पाइप ए बी कैन फिल द टैंक ए और बी क्या कर रहा है tank को फिल कर रहा है। तो एफ एफ लिख दिया मैंने इन फोर्टी एंड सिक्स मिनट फिल द टैंक इन फोर्टी एंड 60 मिनट देयर इज एन आउटलेट सी ध्यान देना अगर कोई पाइप फिल कर रहा है तो एक है उस पर आउटलेट आउटलेट क्या करता है आउटलेट टैंक को एम्प्टी करता है आउटलेट विल ऑलवेज एम टी द टैंक ओके इफ ऑल द थ्री पाइप आर ओपन अगर मैंने तीनों पाइप को ओपन रखा मतलब दो पाइप फिल करेंगे एक पाइप टैंक को एम्प्टी करेंगे द टैंक कैन बी फिल्ड इन थर्टी मिनट्स उस समय में क्या हो रहा है टैंक तीस मिनट में भर पा रहा है तो एक काम करते हैं मैं सबको ओपन किया मतलब ए फिल कर रहा है बी फिल कर रहा है और सी क्या कर रहा है उसको एम कर रहा है ना इट इज ट्राइंग टू एमटिंग द टैंक दैट कैन बी परफॉर्म इन थर्टी था थर्टी मिनट्स में अब ये डेटा अगर मुझे पता है तो आई कैन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक यहाँ से आप लोग टैंक की कैपेसिटी निकाल लो विल फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक विच इज द एल्सियम ऑफ किसके एल्सियम निकालेंगे फोर्टी सिक्सटी थर्टी अब फोर्टी सिक्सटी थर्टी का एल निकालो एल निकालना बहुत सिंपल है फोर्टी यहाँ टेन इंटू टू इंटू टू सिक्सटी टेन इंटू टू इंटू थ्री थर्टी टेन इंटू थ्री यहाँ पर टेन कॉमन है यहाँ पर थ्री कॉमन है एंड यहाँ पर ये टू टू कॉमन है एंड ये टू अनकॉमन है है ये भी लिख लो यहाँ पर आता है फोर इंटू थर्टी विच इज वन ट्वेंटी तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ रही है वन ट्वेंटी यूनिट्स दिस इज वन ट्वेंटी यूनिट्स आई होप आपको एलसीएम निकालना अभी आता होगा ठीक है चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ दिस इज वन ट्वेंटी यूनिट्स तो अब हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे इसकी इफिशियंसी पहले आप ए की इफिशियंसी निकाल लो जो उसको फिल कर रहा है कैसे निकालेंगे वन ट्वेंटी का कैपेसिटी है टैंक का वो चालीस मिनट में फिल कर रहा है तो by 40 करो, तो प्लस. प्लस क्यों? क्योंकि वो फिल कर रहा है, पर मिनट बी क्या कर रहा है वो भी फिल कर रहा है तो इफिशियंसी वन ट्वेंटी कैपेसिटी है अपॉन सिक्सटी करो तो प्लस टू यूनिट्स पर मिनट इट इज प्लस टू यूनिट्स पर मिनट ओके अब ध्यान देना तीसरा वाला जो केस है इसमें आपको तीनों की इफिशियंसी ऐड करनी है यहां पे इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी जो कि एम टी कर रहा है उन सबकी इफिशियंसी कितनी है निकालते हैं 120 कैपेसिटी है अपॉन 30 मिनट्स में वो फिल कर रहा है तो ये आएगा फोर यूनिट्स पर मिनट दिस इज 4 यूनिट्स पर मिनट अब ए की इफिशियंसी मालूम है तीन है बी की मालूम है कितनी है दो है आपको सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी तो इफिशियंसी ऑफ सी ऑफ एम कितना है वो आप निकालेंगे तो सी की इफिशियंसी कितनी आती है फोर माइनस इज़ माइनस वन यूनिट पर मिनट मतलब सी क्या कर रहा है सी एक आउटलेट है आउटलेट कभी भी टैंक को खाली करता है तो अगर वो टैंक को खाली कर रहा है मतलब वो नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है इट इज ट्राइंग टू परफॉर्म नेगेटिव वर्क तो सी की इफिशियंसी कहेंगी ऑफकोर्स वो नेगेटिव आनी चाहिए आपकी आपको क्या निकालना है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर सी टू एम टू द टैंक अगर टैंक पूरा भरा हुआ है उसको खाली करना है तो सी कितनी देर में उसको खाली कर सकता है आपको वर्कआउट करना सो टाइम टेकन बाय सी टू एम टी द फुल टैंक अगर उसको फुल टैंक को खाली करना है तो क्या रहेगा फॉर्मूला टाइम होता है टैंक कैपेसिटी अपॉन इट्स एफिशिएंसी मतलब सी का एफिशिएंसी निकालना तो कैपेसिटी कितना अपना कैपेसिटी है टैंक का 120 यूनिट का और सी का एफिशिएंसी कितना है वो है माइनस वन यूनिट पर मिनट यहाँ पे यूनिट यूनिट कट जाएगा बचेगा माइनस uh, वन ट्वेंटी यहाँ पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वन ट्वेंटी मिनट्स इतनी देर में उसको एम टी करेगा दिस इज द द टाइम टू टैंक तो जो आउटलेट सी है वो टैंक को 120 मिनट में खाली कर सकता है पूरा का पूरा ठीक है ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया तीनों की इफिशियंसी को ऐड करने के बाद ठीक है तीनों की इफिशियंसी ऐड किया वहां से सी की इफिशियंसी निकाला सी की इफिशियंसी को फिर से डिवाइड किया मैंने किससे टैंक की कैपेसिटी से आई गॉट द ठीक है तो ये कंसेप्ट पूरा टाइम एंड वर्क का रेप्लिका है अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है तो आपको पाइप सिस्टम्स जम जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे क्या लिखा है टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर मिनट्स एंड द वेस्ट पाइप सी वेस्ट पाइप मतलब जो पाइप आउटलेट में है उसको बोलते हैं वेस्ट पाइप इट कैन एम टी सिक्स पर मिनट अभी गैलॉन्स क्या है uh, वॉल्यूम का एक यूनिट है जो वेस्ट पाइप है वो 6 गैलन का पानी पर मिनट वेस्ट करता है या फिर डिस्चार्ज करता है ऑल द थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स द कैपेसिटी ऑफ द टैंक आपको निकालना है टैंक का कैपेसिटी ओके चलिए ट्राई करते हैं इसको टू पाइप्स कैन फिल द टैंक जैसे पाइप ए है पाइप बी है दे कैन फिल मतलब एफ एफ इन हाउ मेनी मिनट्स दिस इज ट्वेंटी मिनट्स दिस इज ट्वेंटी फोर मिनट्स ओके उसके साथ साथ यहाँ पे एक वेस्ट पाइप है उसको मैं पाइप सी बोल देता हूँ दे कैन एम टी सिक्स कैलोन्स पर मिनट ऑल द थ्री पाइप वर्किंग टूगेदर कैन फिल द टैंक इन फिफ्टीन मिनट्स अभी सी क्या करता है एक पाइप सी है जो एम टी करता है तो यहाँ पर दिया है तीनों पाइप को साथ में काम कराना मैं थ्री पाइप आर वर्किंग टूगेदर तो ए फिलिंग प्लस बी फिलिंग प्लस सी एक पाइप है जो एम टी करने वाला उसको समय लग रहा है कितना तीनों को साथ में भरने के लिए फिफ्टीन मिनट्स का टाइम लग रहा है आपको निकालना है कैपेसिटी ऑफ़ टैंक तो टैंक का कैपेसिटी अगर मैं पहले एलसीएम लेके निकालूं तो वो एक्चुअल नहीं निकलती है इट इज एक्चुअल वैल्यू इट इज जस्ट प्रपोशनट वैल्यू एक प्रपोशनट वैल्यू होती है जिसके हिसाब से हम लोग टाइम और एफिशिएंसी निकालते हैं तो अब मैं सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकाल लेता हूं। यूजिंग द एलसीएम अप्रोच एलसीएम क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और फिफ्टीन का निकाल लो ट्वेंटी का एलसीएम। तो ट्वेंटी हो जाएगा टेन इंटू दिस इज फाइव इंटू टू इंटू टू ट्वेंटी फोर दिस इज टू इंटू थ्री सिक्स इंटू टू इंटू टू फिफ्टीन 15, 15 होता है फाइव इंटू थ्री फाइव इंटू थ्री कॉमन है तो यहां लिखो मैंने फोर थ्री थ्री यहाँ पे कॉमन है इंटू करो टू यहां सिक्स फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू फाइव इज वन ट्वेंटी यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी कितना रहा है वो आता है वन ट्वेंटी यूनिट्स ठीक है यहाँ तक क्लियर है मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी कितना आ रहा है वन ट्वेंटी यूनिट्स आ रहा है सी मेरे को ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है ये मैंने एक ऐसी फिक्स कैपेसिटी निकाली है अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अब यहाँ से इफिशियटी निकालो तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना है वन को आप डिवाइड करेंगे किससे ट्वेंटी मिनट से आएगा प्लस सिक्स

टाइम्स तो फाइव यूनिट्स पर मिनट इट इज फाइव यूनिट्स पर मिनट ओके सिमिलरली अभी तीनों की इफिशियंसी साथ में निकालो तो ए का इफिशियंसी प्लस बी का इफिशियंसी सी का इफिशियंसी उसको एम टी कर रहा है कितना है ना वन ट्वेंटी का कैपेसिटी है और उसको टाइम कितना लग रहा है फिफ्टीन मिनट लग रहा है तो दिस इज वन टाइम दिस इज ऑलमोस्ट कितना दिस इज एट टाइम दिस इज एट तो इफिशियंसी ऑफ ए मालूम है कितना सिक्स इफिशियंसी ऑफ बी मालूम है कितना फाइव तो यहां से आप सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं यू कैन फाइंड द दी ऑफ सी कितना आएगा तो इफिशियंसी ऑफ सी विल बी एफिशिय मतलब वेस्ट पाइप है यहाँ पर लिख दे रहा एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट पाइप या सी भी बोल सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट पाइप कितना है आठ में से सब करो पाँच और छः ग्यारह तो आठ में से ग्यारह गया कितना गया कितना बचा दिस इज माइनस थ्री यूनिट्स पर मिनट दिस इज माइनस थ्री यूनिट्स पर मिनट मतलब एक वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी कितना है तीन यूनिट पर मिनट है कितना है

एक्चुअली एक्चुअली क्या दिया है वेस्ट पाइप वेस्ट पाइप जो अपना वेस्ट पाइप है वेस्ट पाइप एम टी सिक्स गैलोन्स पर मिनट ये क्या करता है छह गैलोन पानी पर मिनट वेस्ट करता है या डिस्चार्ज करता है और मैंने कितना निकाला मैंने निकाला तीन यूनिट पर मिनट डिस्चार्ज करता है तो यहाँ पर तीन यूनिटॉन्ड कर रहा है छ गैलन को ये किस को कर रहा है देखो ये वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी है तीन यूनिट का और क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है वेस्ट पाइप का टी पर मिनट पे तीन यूनिट किसको को करस्पॉन्ड कर रहा है सिक्स गैलो को मेरे टैंक का कैपेसिटी कितना है मेरे टैंक का कैपेसिटी है 120 ये 120 एक्चुअल नहीं है ठीक तो कर है दिस कर तो है ट्वेंटी यूनिट कितने गैलोन्स को करस्पॉन्ड करेगा हमको वो निकालना तो आप यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों क्रॉस कर लो ये आएगा थ्री एक्स बराबर वन ट्वेंटी इज वन टाइम दिस इज टू टाइम

तो तीन किसको को करस्पॉन्ड कर रहा है छ को तो 120 की कैपेसिटी वाला टैंक कितने को करस्पॉन्ड करेगा वो करस्पॉन्ड करेगा x को तो वहां से मैं एक्स निकाल लूंगा ठीक है तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच